This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार दोस्तों, इंडियन फनकार के माध्यम से शुद्ध साहित्यिक यात्रा पूरे देश को करने को मिल रही है और अच्छी से अच्छी कविताएं पूरे देश के साहित्य प्रेमियों तक पहुंच रही है। इसी संदर्भ में एक कविता मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि बचपन से अपनी इस उम्र तक आज तक हमने क्या खोया और क्या पाया, कितना परिवर्तन इस जीवन पे हुआ। आइए, दिन ब दिन बीतते अपनी अपनी उम्र के पड़ाव पर रुककर आज कुछ आराम कर लें। दिन ब दिन बीतते अपनी अपनी उम्र के पड़ाव पर रुककर आज कुछ आराम कर लें। थक गए हैं, शिथिल है मन, बोझिल है तन, बैठकर फिर से निहारें उस बचपन को, याद कर लें आज फिर बीते चमन को और समझ लें थोड़ा सा फिर इस जीवन को कि क्या था जीवन, क्या है जीवन और क्या यही है जीवन। तो आओ हम सब चलते हैं अब फिर बचपन को, वो गलियां, वो मोहल्ले, वो चौराहे, वो चौपाले, जहां अटखे लिया करता बचपन था अपनापन, कभी हंसी ठिठोली तो कभी गिला शिकवा शिकायत दोस्तों से, कभी रूठना कभी मनाना, निस्वार्थ बचपन, ना छल कपट ना बुरी नीयत ना बेईमानी ना स्वाभिमान, ना छल कपट ना बुरी नीयत ना बेईमानी ना स्वाभिमान, ना ईर्ष्या किसी से, अरे कितना स्वच्छ था चमन, कितना सुंदर था बचपन, क्या था जीवन, क्या है जीवन और क्या यही है जीवन। और वो बगीचों के झूले सचब तक ना भूले, वो इमली के पेड़, मीठे मीठे बेर, वो रंगीन मेले, खिलौनों के ढेर, वो अखाड़ों की कुश्ती कैसी थी मस्ती, वो गिल्ली डंडा कंची सतमी ताली, अरे उस बंसी काका की बर्फ भरी प्याली, और एक साइकिल के पहिए को सड़क पर घुमाना, 10 पैसे में उस बल्लू की कुल्फी खाना, थी दोस्तों की दुनिया, था भाइयों का प्यार, सुख दुख के सब साथी, था मिला जुला व्यवहार, और खुशियों की करीबी भुलाती गरीबी, आवश्यकता कम थी ना के नम थी, अरे सभी को देखकर खुश होता मन, तो विदाई का एकाकीपन ले आता गम, भावनाओं का सिलसिला ना कभी कम होता, करुणा और कोमलता का हर कोना नम होता, अरे याद आते हैं हमें होली, राखी, दिवाली, ईद और अचकन के दिन, काश कोई लुटा दे हमें फिर अपने बचपन के दिन, क्या था जीवन, क्या है जीवन और क्या यही है जीवन। और आज हम पश्चिमी सभ्यता के शिकार होते हैं और जब देखते हैं तो ये कहना पड़ता है कि आज विकराल वर्तमान, सपनों की दुनिया, भागम भाग, सुबह जाना रात को आना, टिफिन का ठंडा खाना, छल कपट झूठ बेईमानी, पैसों की चकाचौंध, दिखने दिखाने का दिखावा, कटी हुई मूछ, फालतू की पूछ, बड़ा बनने की आपसी होड़, कर्जों की थकान के साथ व्यवस्था की दौड़, दिन प्रतिदिन आयोजन प्रीतिबोध समारोह, कभी बहाना जन्मदिवस का तो कभी शादी की वर्षगांठ, ना रिश्ते ना रस्तों से अवगत, मात्र कृत्रिम गुलदस्तों से स्वागत, ना संस्कृति ना सभ्यता, चाहिए मात्र भव्यता, ना मान ना सम्मान ना प्रणाम ना व्यायाम, हर पल बस धनोपार्जन के नए आयाम, और स्मृति बनकर रह गया एक थाली में बैठकर खाना, ना था कोई बहाना पर आज छट गई थालियां, बट गई थालियां, प्रेम प्यार की भाषा न रही, विवादों के संग लिपट गई गालियां, और ज़्यादा होते हुए भी कम हैं, इसीलिए तो ये आंखें नम हैं। और ये कविता तो है लेकिन सच, ये कविता तो है लेकिन सच मानो तो हम सब की आत्मकथा है, यह है तो अपने अपने उम्र के विराम की एक झांकी है। अरे आगे आगे देखो होता क्या है, आगे आगे देखो होता है क्या, इस जीवन पे तो लिखना भी बहुत बाकी है, क्या था जीवन, क्या है जीवन और क्या यही है जीवन। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जीवन की सच्चाई से संबंधित ये कविता पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।